शुरुआत हरियाणा से करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले के खड़क मंगोली गांव में नदी के तेज बहाव में कार सहित फंसी महिला की जान बचाने वाले 15 लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। महिला की जान बचाने का साहसिक कार्य करने में एक महिला समेत 15 लोग शामिल थे। सीएम ने सभी लोगों को कुल 3,15,000 रुपए की नगद राशि और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने की बात कही है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। जहां पंचकुला में जो बहादुर 15 लोग थे उन्हें सम्मानित करने की तैयारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने की है। करीब 3,15,000 रुपए नगद राशि सभी को दी जानी है और इन बहादुरों में एक महिला भी शामिल है। तो नदी के तेज बहाव में कुल 15 लोगों ने मिलकर बहादुरी दिखाते हुए इस पूरे परिवार को बचाया था। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर दी है कि 3,15,000 रुपए इन सभी को दिए जाएंगे, प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजकुमार, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो 15 बहादुर लोग थे उनको सरकार ने सम्मान देने की बात कही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? तो जिस तरह की मतलब कि रेड अलर्ट भी जारी था हिमाचल के अंदर, हरियाणा में, उत्तराखंड में, कई जगहों पे, कई स्टेट में रेड अलर्ट जारी था कि जो बरसात है बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली है। तो वहीं देखा गया था मतलब कि जो हरियाणा का जिला पंचकुला है वहां पे बारिश का जो पानी है, घग्गर नदी है, वो जो हिमाचल से आता है और कुछ लोग, संडे का दिन था, कुछ लोग वहाँ उस नदी के अंदर जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। वहीं पे एक परिवार गया था पूजा अर्चना करने के लिए, जब वो गाड़ी से नीचे उतरा है तो उसी वक्त पानी का बहाव इतना था कि वह गाड़ी फंस गई है और बह के काफी आगे तक चली गई। उसके अंदर 14 लोगों में से एक लेडीज थी जिन्होंने मिलकर उन लोगों को बचाया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन व रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंची थी, जिसको देखते हुए, उनकी बहादुरी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है उन्होंने ये जो राशि है घोषित की है उनके लिए। बिल्कुल शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो ये 15 जो लोग हैं कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल हैं, इन्होंने अपनी जान जो है हथेली में रखकर इस पूरे परिवार को बचाया जो कार में फंसा हुआ था भयंकर धारा प्रवाह थी जल की। अगर एक का भी पांव फिसलता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। बढ़ते हैं आगे, देश की राजधानी दिल्ली में